हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं शॉटगन के साथ चैलेंज। जैसे कि गाइस यहां पर आप लोग को एक बरमूडा मैप देखने को मिल रहा होगा, इसके एक साइड पर है ऑब्जर्वेटरी और दूसरे साइड पर है सेंटोसा। और हमारे इस चैलेंज में रहेंगे दो बंदे, मैं और मेरा दोस्त। मेरा दोस्त उतरेगा ऑब्जर्वेटरी और मैं उतरूंगा सेंटोसा, और वहां से हम लोग लूट कर M887 खोजेंगे और उसके साथ भोया निकालने की कोशिश करेंगे। और क्या गाइस, हम दोनों अलग अलग कोनर पर उतर कर M887 को ढूंढ कर और उससे हम लोग क्या गेम में भोया निकाल पाएंगे। हम लोग को M887 ही चलाना है और कोई भी गन नहीं चलाना है। और अगर गाइस आप लोग मेरा रैंक देखोगे तो हम दोनों का रैंक इस समय बहुत ही ज्यादा है, तो इसलिए हार्ड लॉबी आएगी और इसमें चैलेंज करना बहुत ही मुश्किल है। तो आप लोग वीडियो देखो, वीडियो में आप लोग को काफी ज्यादा मजा आने वाला है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं सेंटोसा पे उतर जाता हूँ। सेंटोसा पे उतरने के बाद मैं लूट करने लगता हूँ M887 की, क्योंकि गाइस ये M887 चैलेंज है, तो इसलिए मुझको सिर्फ M887 ही चलाना है। मैं जल्दी से लूटने लगता हूँ M887। और मैं यहाँ पे आया था ऑब्जर्वेटरी पे, जहाँ पे बहुत सारे बंदे रहते हैं, और मैं निकल जाता हूँ M87 की तलाश। ओ भाई साहब, यहाँ पे तो मुझको शुरू में M87 मिल गई। ओ भाई साहब, इसकी माँ का अब तो मजे ही मजे। और फिर मैं इसे तलाश कर रहा था तो मुझको भाई साहब लड़ते हुए बंदे दिख गए। ओ माय गॉड, यहाँ पे तो बहुत ही तगड़ी फाइट हो रही है। ओ भाई साहब, और जब मैं वहाँ से बाहर आया तो देखा, ओ भाई साहब यहाँ पे तो फाइट खत्म होने का नाम नहीं ले रही, मतलब कि भाई क्या हो रहा है यहाँ पे। और मैं वहाँ से आता हूँ, देखता हूँ क्या पे बंदे तो अलग ही कैंपिंग करके बैठे हैं, मतलब कि भाई कुछ भी। और फिर मैं सोचता हूँ कि यहाँ से निकल जाऊँ, पर कोई बात है, दोबारा ट्रेन में हम लोग पहुंच जाते हैं हैंगर की तरफ। यहाँ पे मैं छत पे आया था हूँ। उसके बाद जब मैं थोड़ा सा आगे जाता हूँ तो यहाँ पर मुझे बंदे दिख जाते हैं, तो मुझे उल्टा पैर जाना पड़ता है। फिर गाइस वहाँ पर मुझे नहीं मिलती है शॉटगन, तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ मार्स इलेक्ट्रिक पर। मार्स इलेक्ट्रिक पे भी मुझे कुछ भी नहीं मिलता है, तो इसलिए मैं आ जाता हूँ इस वाली वेंडिंग मशीन के पास। इसको खोल कर देखता हूँ कि इसमें मुझे शॉटगन मिलती है कि नहीं, तो यहाँ पर भी मुझे शॉटगन नहीं मिलती है। तो यहाँ से गाइस मैं क्या करता हूँ, एक वेस्ट और यहाँ पर लॉन्च पैड ले लेता हूँ। यहाँ पर लॉन्च पैड लेकर गाइस मैं क्या करता हूँ, आगे आ जाता हूँ। जैसे मैं थोड़ा सा आगे आता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा लूट उट करता हूँ। यहाँ पर गाइस यहाँ पर मुझको लगता है कि शॉटगन मिल सकती है, तो इसलिए मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और देखने लगता हूँ कि यहाँ पर मुझको शॉटगन मिलती है कि नहीं। तो मैं थोड़ा सा आगे जाता हूँ तो यहाँ पर मुझे शॉटगन मिल जाती है, और जैसे ही मुझे शॉटगन मिल जाती है तो मैं थोड़ा सा और लूट के चक्कर में आ जाता हूँ यहाँ पर। यहाँ पर जैसे ही मैं थोड़ा सा लूट के चक्कर में आगे आता हूँ, तभी पीछे से मुझे किसी बंदे ने बहुत ज्यादा डैमेज दे देता है। तो क्या करता हूँ, मैं जल्दी से उस बंदे को चकमा देने की कोशिश करता हूँ, और उसको चकमा देकर मैं क्या करता हूँ, जल्दी से कवर में आ जाता हूँ। कवर में आ जाने के बाद क्या करता हूँ कि मैं एक लॉन्च पैड लगाकर जोन के अंदर चल जाता हूँ, क्योंकि गाइस जोन के बाहर रहना कोई भी सेफ नहीं है। पूरे हैंगर है, मैं बस ऐसे ही घूमता रहता हूँ। फिर इतना घूम फिर कर मैं यहाँ पे देखता हूँ कि जोन यहाँ पे काफी छोटा हो गया है। और फिर भाई साहब देखते हो यहाँ पे कोई गाड़ी लेकर आ रहा था, मतलब कि भाई इसकी कोई लिमिट ही नहीं थी। मतलब देख रहे हो गाइस, गाइस ये बंदा थोड़ा सा विनर रिकॉर्ड सीधा चलता ही चला गया। और फिर उस बंदे को इग्नोर करके मैं सीधा चला जाता हूँ जून की तरफ। और जून की तरफ जाते समय मैं देखता हूँ कि सामने बहुत ही तगड़ी फाइट हो रही है। मैं सोचा कि थोड़ा सा इसका लाभ ले लूं, पर मैं देखता हूँ कि मेरे पास सिर्फ 2 शॉटगन है और मैं इसे क्या ही कर लूंगा। और मैं पीछे से निकल लेता हूँ जून की तरफ, और मैं यहाँ पे मशरूम खा ही रहा था कि तभी मुझको सामने दिखा कि बंदे यहाँ पे फाइट कर रहे हैं। और मैं यहाँ पे जब जा रहा था तो मुझको सामने से एक बंदा दिखता है, पर मैं कुछ नहीं कर पाता क्योंकि मेरे पास सिर्फ शॉर्ट रेंज की गन थी। जिसके बाद मैं यहाँ पे खड़ा खड़ा अपने दोस्त का इंतजार कर रहा था कि ताकि आए और हम दोनों यहाँ पे फाइट करें। और फिर मैं यहाँ पे गाड़ी पे बैठ जाता हूँ, जहाँ पे देखता हूँ सभी लोग यहाँ पे गाड़ी लेके घूम रहे हैं। यहाँ पे सामने क्लियर है, इसलिए यहाँ पे ग्रोवल लगाया हुआ है। और भाई साहब तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे किस तरह से भसड़ मची हुई है। सामने एक बंदा मॉन्स्टर ट्रक लेके जा रहा था अभी को, और मैं अपनी गाड़ी पता नहीं कहाँ लेके जा रहा हूँ। और फिर मैं अपनी गाड़ी रोक के यहाँ पे अपने दोस्त का इंतजार करने लगता हूँ। तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ जोन के अंदर। जोन के अंदर मैं जैसे ही आ जाता हूँ, उसके बाद गाइस मैं अपने दोस्त के पास जाने लगता हूँ, तभी आगे मुझे एक बंदा मोस्टर ट्रक ले जाते हुए दिख जाता है। उसके बाद गाइस मैं थोड़ा सा और आगे जाता हूँ तो यहाँ पर मुझे बहुत सारे बंदों की फाइट देखने को मिलती है, जो कि सारे बंदे आपस में काफी ज्यादा फाइट कर रहे थे। तो मैं इनको अवॉइड कर देता हूँ, इन लोग को मैं छेड़ता नहीं हूँ, क्योंकि गाइस शॉटगन से अगर रश करूंगा तो ये लोग मुझे मार सकते हैं, तो इसलिए मैं इनको अवॉइड कर देता हूँ। इसको अवॉइड कर मैं अपने दोस्त के पास जाने लगता हूँ। इन लोग को साइड में रखो, पहले गाइस हमको टॉप 10 लगाना है, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ कि इन लोग को साइड लगाकर मैं अपने दोस्त के पास जाने लगता हूँ। उसके बाद गाइस जैसे ही मैं अपने दोस्त के पास आता हूँ, तभी मुझको यहाँ पर एक बंदा दिख जाता है जिसको मैं डैमेज देता हूँ, तो वो छत पे भाग जाता है। फिर मैं अपने दोस्त के पास आ जाता हूँ और तभी यहाँ पर पीछे से एक बंदा आता है, मैं उसको थोड़ा सा डैमेज देता हूँ, तो ये वाला भी बंदा भाग जाता है। उसके बाद गाइस हम लोग थोड़ा सा यहीं पर रुक कर वेट करते हैं जोन को छूटा होने के लिए और बंदे को कम होने के लिए। और यहाँ पे मेरा दोस्त आते हैं यहाँ पे फाइट
करना स्टार्ट हो जाता है और मैं भी इसको बचाने के लिए अंदर चला जाता हूँ। और फिर मैं और मेरा दोस्त एक कोने पकड़ के बंदों का इंतजार करने लगते हैं और हम लोग बंदे का इंतजार करते तभी सामने से एक बंदा आता है जिसको मैंने सिर्फ 10 कड़ाए में दिया था और फिर वो बंदा तो गांड चुरा के भाग जाता है और हम लोग यहाँ पे और बंदों का इंतजार करने लगते हैं। फिर हम लोग निकल जाते हैं जोन की तरफ और फिर हम लोग रुक जाते हैं इस झोपड़पट्टी में। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा वेट करते हैं, उसके बाद यहाँ पर गाड़ी से हम लोग क्या करते हैं कि एकदम सेफ जोन के अंदर जाने की कोशिश करते हैं क्योंकि गाइस हमको एकदम सेफली खेलना है क्योंकि हमको ये गेम MA87 से भोया चाहिए। तो मेरा दोस्त कहता है कि जल्दी से घर के अंदर आ जाओ, हम दोनों इसी घर के अंदर आकर बैठ जाते हैं। रोम रोम भाइयों, सिस्टम पार देंगे। फिर हम लोग देखते हैं कि हमारे सामने कुछ बंदे आपस में फाइट कर रहे हैं। मजा आ रहा है, मेरा जूस कहाँ गया? फिर काफी देर फाइट करने के बाद वो दोनों बंदे हमारे सामने वाले घर पे जाके रुक गए। फिर उनका एक प्लेयर हमारे तरफ आने लगा, फिर उस बंदे ने भी हम लोग को देख लिया था और यहाँ पे सामने गोला लगा दिया और इन घर के अंदर बैठते हैं। तभी आगे बहुत ही खतरनाक तरीके की फाइट होती है तो हम लोग को लगता है कि हम लोग को फाइट करना चाहिए बट मेरा दोस्त कहता है कि फाइट मत लो, अभी हम लोग को एकदम सेफ खेलना है, हम लोग को MA87 से बोया निकालना है। तो यहाँ पर हम दोनों यहाँ पर लुक कर बैठे होते हैं और टॉप 10 होने का वेट करते हैं। तो टॉप 10 लग जाता है और गाइस यहाँ पर बंदे हम लोग के ऊपर रश कर देते हैं। फाइनली हम लोगों ने इस बंदे को मार दिया है। इस बंदे को हम लोग को जैसे ही फिनिश करते हैं तो यहाँ पर गाइस अब हम लोग क्या होते हैं, अब हम लोग आ जाते हैं टॉप 3 के अंदर और यहाँ पर सिर्फ एक बंदा बचा हुआ था जिसको हम लोग को मारना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग देखते हैं कि वो बंदा कहाँ पर है, तभी वो बंदा हम लोग को आगे दिख जाता है। तब हम लोग जल्दी से रश करने के लिए पहुंच जाते हैं क्योंकि एक ही बंदा बचा था, हमारा चैलेंज कंप्लीट भी होने वाला था MA87 से। तो यहाँ पर जल्दी से मैं रश कर देता हूँ और रश करने के बाद गाइस यहाँ पर फाइनली मैं इस बंदे को मार देता हूँ और यहाँ पर हम लोग का भोया हो जाता है और हमारा जो MA87 का चैलेंज था वो कंप्लीट हो गया। तो आप लोग कमेंट में बताना कि नेक्स्ट चैलेंज हम लोग क्या करें।